सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज सुबह जो है मैंने आप सभी को बताया था कि जो कोलकाता की टीम है उसने मिचेल स्टार्क को रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों अभी जो है एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है आईपीएल 2019 से, जहां पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है ऑक्शन के लिए। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आप तक जो है ये खबर सबसे पहले पहुँच जाती है। दोस्तों बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई की टीम ने जो है अपने 25 मेंबर के स्क्वाड में से 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। सबसे पहला खिलाड़ी उसका नाम है मार्क वुड, दूसरा खिलाड़ी उसका नाम है कनिक्स सेथ और तीसरा खिलाड़ी उसका नाम है सतीश शर्मा। दोस्तों ये 3 खिलाड़ी है मार्क वुड, कनिक्स सेथ और सतीश शर्मा, जिनको जो है चेन्नई की टीम ने ऑक्शन के लिए छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है मार्क वुड, उनको दोस्तों चेन्नई की टीम ने छोड़ा है ऑक्शन के लिए, क्योंकि पिछले साल जो है मार्क वुड चेन्नई की टीम को बीच में ही छोड़ के अपने देश वापस चले गए, जिसके चलते जो है चेन्नई की टीम ने मार्क वुड को ऑक्शन के लिए छोड़ दिया। अभी देखने वाली बात यह होगी कि क्या मार्क वुड को कोई टीम ऑक्शन से खरीदती है कि नहीं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और दोस्तों कल जो है 15 नवंबर को सभी ऑटो फ्रेंचाइज की रिटेन एंड रिलीज प्लेयर की लिस्ट आने वाली है। तो अगर आप सभी को जानना है सभी ऑटो फ्रेंचाइज के रिटेन और रिलीज प्लेयर, तो आप सभी को बस करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, उसके बगल में जो घंटी है उसको भी दबा देना है, ताकि मैं जो है कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।